बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार हाजिर हूं आपके बीच बड़ी खबर के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और अन्य अन्य कार्यकर्ता, और ये अपनी राय रखेंगे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बंटी भैया से, जो कि बहुजन समाज पार्टी से हाथरस जनपद से बंटी भैया नाम से नेता से नाम से मशहूर हैं, और इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, किस तरीके से आपकी तैयारी है? तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। हम लोग आज भी 3 सभाएं करके आए हैं, और जो हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, माननीय बहन जी का जो कार्यक्रम है, उस एजेंडे के तहत, उस मिशन के तहत हम लोग गाँव देहात क्षेत्र में, ये पंचायत का चुनाव ग्रामीण एरिया का होता है, हमारे जनपद हाथरस में जिला पंचायत के 24 वार्ड हैं। हमने पार्टी के लोगों ने, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने 15 सीटें प्लस जीतने का लक्ष्य हमने रखा है। उसके लिए हम लोग क्षेत्रों में निकल पड़े हैं और लगातार रोजाना आए दिन क्षेत्र में ही रह रहे हैं, और पार्टी मूवमेंट और पार्टी के निर्देशों के, पार्टी नेताओं के आदेशों का पालन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भारी मात्रा में हमको जिताने हैं, जिससे जिला पंचायत की कुर्सी पर जिला पंचायत अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का बन सके। बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों के अनुसार हम लगातार क्षेत्र में रह रहे हैं, इसके परिणाम आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। किस तरीके से बूथ सेक्टर पर तैयारी की जा रही है आपके, कितने पूरा कंप्लीट होगा, क्या अभी अधूरा रह गया? बूथ सेक्टर के हमारे पदाधिकारी, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी अपनी टीम के साथ में, मुस्तैदी के साथ में गाँवों में, आपको आप प्रत्येक गाँव में जाँच कर सकते हैं, जा सकते हैं। हमारा पार्टी के लोगों के लिए वो खड़े हैं, और इंतजार किया जा रहा है कब आचार संहिता प्रदेश में लगे और कब चुनाव ऐलान के साथ लड़ा जाए। बहुजन समाज पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। किस तरीके से बहुजन समाज किन किन लोगों को पकड़ रही है चुनाव में, किस किस को सीट मिल सकती है आपके साथ? पार्टी के ईमानदार, वफादार, निष्ठावान, कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील, पार्टी के लिए मरने वाले, मिटने वाले, चाहे रात के 12 बज रहे हों, चाहे 1 बज रहा हो, जिन्होंने पार्टी की सेवा की, और पुराने ऐसे लोग जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया, उनको भी सम्मान देते हुए उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। उसके लिए हम लोग लगातार चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और हमारी पार्टी की कोर कमेटी के लोग बैठेंगे और उसमें तय करेंगे, जो ईमानदार लोग हैं उनको चुनाव लड़ा करके जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस में बनाने के लिए हम अपने ईमानदार सदस्यों को जिताने का काम करेंगे। और आपको क्या लगता है, जिला पंचायत का जब रिजल्ट आएगा तो कैसा आएगा बहुजन समाज पार्टी? नहीं, हम जीत रहे हैं। पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की विनाशकारी नीतियों की वजह से, कांग्रेस पार्टी ने देश में रही लंबे समय तक सरकार में किए घोटालों की वजह से, आज उत्तर प्रदेश में जो हाहाकार है, उत्तर प्रदेश की जो बदहाल कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में गुंडाराज चरम पर है, यहाँ छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ में आए दिन जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जो गुंडागर्दी हो रही है, जो प्रदेश की हालत खस्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खुद प्रदेश में आए दिन उनके विधायक सांसद छोटी छोटी बहन बेटियों से रेप जैसी घटनाएं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उन्नाव के कुलदीप सेंगर हों, चाहे चिन्यानंद जी हों, ऐसी घटनाओं में संलिप्त रहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर विश्वास कर रही है, और 2020 के बाद, 2021 के बाद ये चुनाव जो 22 में विधानसभा का होगा, ये 2021 का चुनाव उसका सेमीफाइनल है, इसको जीत करके हम 2022 की विधानसभा की तैयारी करते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों का पालन करने का काम करेंगे। जी जी, आपने जो अपनी बात रखी वो कहीं ना कहीं समाज के लिए आपको ये संदेश है, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपकी तरह कार्य करें, किस तरह? नहीं नहीं, हमने ईमानदार बनकर, हमने जांच कर ली है और जांच परख के पूरी तैयारियां हैं। हमारे सेक्टर के, जिले के प्रभारी जितने भी हैं विधानसभा में आ गए जो, हाँ हम सबके टच में हैं, लगातार हमारी कैंपेनिंग जारी है, और हम विधानसभा के अध्यक्षों के माध्यम से, माननीय जिलाध्यक्ष जी, कोऑर्डिनेटर हमारे सब बैठेंगे, कोर कमेटी की पूरी, उसमें जो ईमानदार लोग हैं, निष्ठावान हैं, और ऐसे लोग नहीं लड़ाने हैं जो जीत करके किसी के बहकावे में आकर के लालच में किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, या ऐसे लोगों के पास चले जाएं जिनसे पार्टी का नुकसान हो। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ाने वाली नहीं है। अपने पार्टी के वर्करों को, बूथ सेक्टर के कार्यकर्ताओं को, या उनके कहने पर जो ईमानदार लोग हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। जी जी, और इस समय जो आपको पता है किसान आंदोलन कर रहा है, और बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट भी करके मांग किया कि इसके जो 3 कानून बनाए गए उनको वापस लिया जाए, क्या सरकार इनको वापस ले पाएगी? सरकार तानाशाह है, सरकार हिटलर शाही रवैया अपनाए हुए है। किसानों, जो अन्नदाता हमारे लिए अनाज उगाने का काम करते हैं, इनके बेटे देश की रक्षा में रह करके हम लोगों को रखाने का काम करते हैं, ऐसे अन्नदाता किसान, सरकार इनसे बात करनी चाहिए। सरकार बात करने के बजाय उन पर लाठियां भाजने का काम कर रही है।
सरकार बात करने की बजाय उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम कर रही है, सरकार बात करने की बजाय उन पर बौछारे पानी की ठंड में मारने का काम कर रही है। 7 किसानों की हत्या हो चुकी है, किसान रोडों पर परेशान हैं, MSP जो है गलत ला करके उनके किसान को किसान के खेत में गुलाम बनाने की सरकार काम कर रही है। जब किसान का खेत बिचौलिया खरीद लेंगे, किसान की जो सब्जी है, किसान की जो दालें हैं, किसान की जो फसलें हैं, उसका उचित मुआवजा उसको नहीं मिलेगा, तो किसान तो की हालत स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, किसान से देश पीछे चला जाएगा, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। मेरा एक सवाल, मेन सवाल तो ये है कि इतना समाज जो आप भी देख रहे हो गलत हो रहा है सरकार में, फिर भी सरकार कैसे बन जाती है अन्य राज्यों, बिहार में भी बन गई? लोगों को हिंदुत्व के नाम पर, दलित पिछड़े समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म की बात करके, मंदिर की बात करके, मस्जिद की बात करके आपस में लड़ाने का काम किया और भारी मात्रा में वोट ले लिया, इसलिए लोग घुमराह हो गए। अब इनकी नीतियों की वजह से आज कोई रोजगार नहीं है, लोग रोड़ों पर पलायन हैं, पलायन करने पर मजबूर हैं, और युवा जिनको रोजगार नहीं मिला वो ताली थाली बजा करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर हैं। आने वाले समय में इस सरकार को औंधे मोह घेरने का काम करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ अगले वक्ता के रूप में मौजूद है चौधरी राघवेंद्र जी, क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? युवाओं के सबसे पहले कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा युवाओं को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जय भीम, जय भारत। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता।